अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासिर। जी फ्रेंड, आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। न्यू लेसन में आज हम लोग जो बनाएंगे वो एंकर बनाएंगे, एंकर जो जिसे हम लैंगर भी कहते हैं। तो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा दूं, तो हमारा जो लैंगर होगा वो इस अंदाज में हम लोग बनाएंगे, जो जहाज़ को अमूमन जब जहाज़ कहीं भी किसी जेटी पे बंदरगाह पे स्टे करता है तो अमूमन ये रस्सी के साथ बांध के समंदर में डाल दिया जाता है ताकि वो एक जगह पे खड़ा रहे। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको आपकी पिक्चर दिखा दूँ। ये हमारी फाइनल पिक्चर है जो हम लोगों ने बनानी है। ये इसका प्रोसेस है जो हम प्रोसेस करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा बीच में। और ये इसका प्रोसेस है जो हम लोग आज बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले करना क्या है प्रोसेस में, इसमें जो लाइनें हैं वो गिनते हैं कि हमने किस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये देखिए जो लाइन नज़र आ रही है, आप इसको समझ लें, आप एक फिट की लाइन लगाएं। और कितनी लाइनें लगानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसका मतलब 11 लाइनें हमें लगानी है। और हर लाइन का जो स्पेस होगा वो 2.5 इंच होगा। तो और इसकी लाइन कितनी, इसकी लंबाई होगी वो 1 फिट से 6 इंच लगाते हैं। चलें 1 फिट लगा लेते हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले कमांड फ्लिट की यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपना यूनिट सेट करना है, यू एन इंटर। यूनिट हमारा आर्किटेक्चर है, हम आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, एल इंटर किया मैंने, कंट्रोल F8 से F8 ऑन कर लें। F8 ऑन किया, 1 फिट की लाइन कहा मैंने, 1 फिट की लाइन लगा दी हमने। और इसी तरीके से इसका ऑफसेट कितना होगा, ऑफसेट जो हम लोग बनाएंगे 2.5 होगा। ऑफसेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। हमने 11 लाइनें लगा ली हैं, लेकिन लाइन बहुत बड़ी लग रही है, इसको यहाँ से शॉर्ट करने लगा हूँ मैं। ज़रा इसको यहाँ से हम लोग ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को रिमूव कर दिया, हमने 11 लाइनें लगा ली हैं। तो करना क्या है, हमने सबसे राउंड करने के लिए, तो दोबारा इस पिक्चर को देखें, एंड की इसको राउंड करने के लिए फ्लिट की लाइन यूज़ करेंगे। सबसे पहले एंड लाइन को हम फ्लिट करेंगे ताकि वो यू राउंड हो जाए, और उसके बाद इनको फ्लिट करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं फ्लिट। F इंटर, F ही कमांड लगाई, पहला क्लिक करेंगे, दूसरा एंड लाइन पे करेंगे, देखिए राउंड हो गई। अगेन इंटर करेंगे, कमांड दोबारा रिपीट हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक किया, इसी तरीके से दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये राउंड हो गई। फिर एक लाइन को छोड़ के इसको और इसको क्लिक करेंगे तो ये भी राउंड हो जाएगा। इसी तरीके से इस लाइन को छोड़ के यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी राउंड हो जाएगा। अब ये कंडीशन हमारे पास बन चुकी है, अब आके देखते हैं अपने इसके ऊपर। तो क्या करते हैं कि लाइन लगा लेते हैं यहाँ से, ये तो हिस्सा हम लोगों ने समझ लें बना लिया। अब दूसरा प्रोसेस हमारे पास ये है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ये बाय मिस्टेक गलत है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 32 फिट का या 30 इंच का ऑफसेट लूँगा, उसके बाद 10 इंच का ऑफसेट लूँगा ताकि थोड़ा सा एक अपने इस लुक में आ जाएगा जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो चलते हैं किस तरीके से बनाते हैं, इसको सामने रख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ देखें आप, दो लाइनें हैं, ये इसको भी एक्सटेंड किया गया है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, और ये जो एंड वाली छोड़ी उसको भी एक्सटेंड किया गया। चलते हैं प्रोसेस की तरफ, यहाँ से आपको दिखाऊंगा। पहले तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस जगह से यहाँ तक। इस लाइन को हम तकरीबन 30 इंच ऑफसेट कर देते हैं, 30 इंच ऑफसेट किया, उसके बाद इसी लाइन को हम लोग 10 इंच ऑफसेट कर देते हैं। 10 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 इंच कर देते हैं, यहाँ से 5 इंच ऑफसेट कर देते हैं। ये कंडीशन हमारे पास बन गई। अब हमने किन किन लाइनों को ऑफसेट करना है ये देखते हैं। EX डबल इंटर, इसको लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को भी एक्सटेंड करना है, इसको भी एक्सटेंड करना है, और इसको भी एक्सटेंड करना है। यही लाइनें यहाँ भी नज़र आ रही थी प्रोजेक्ट के अंदर, तो इन लाइनों को मज़ीद हम लोग इंटर एक्सटेंड करते हैं ताकि ये इस लाइन से टकरा जाए। ये लाइन आगे बढ़ाने का मकसद क्या था, वो यहाँ पे ये जो दोनों लाइनें ये आगे बढ़ाने का मकसद ये था कि हमें क्रॉस में लाइन लगानी थी ताकि हम यहाँ से आर्क लेके
उसको बना सके। अच्छा ये फ्लेट से भी हो सकता है, हम आर दोनों को यूज़ करके देखेंगे कौन सा सूटेबल हमें करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, एक यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ क्लिक किया और एक यहाँ क्लिक कर दिया। अच्छा जैसे मैंने आपको कहा था फिलेट भी कर सकते हैं, फिलेट का अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, फिलेट से कुछ और हो गया। तो आर के लगा लेते हैं, एफ इंटर, बाद जो कमांड्स है जो रोज़मर्रा यूज़ कर रहे होते हैं कभी कभार नहीं यूज़ होती, एफ इंटर किया हम लोगों ने। अच्छा आर्क लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक किया एक और दूसरा क्लिक सेंटर पे करते हैं और एक यहाँ पे आर्क लगा लेते हैं। तो ये देखें वो लुक ज़्यादा बेहतर बन गई है। जेड इंटर, ई इंटर करके ज़रा जूम को देखते हैं। अच्छा देखा जाए ये ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। मैनेज किस तरीके से करते हैं, पहले इन लाइनों को रिमूव करें, इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें और इसको भी रिमूव कर दें, कुछ लाइनें जो एक्स्ट्रा हैं उनको रिमूव कर दें। देखिए शक्ल हमारे पास बन चुकी है लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा सा रिमूव करने वाले हैं, इन लाइनों को यहाँ से रिमूव कर दें। इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लें, कितना नीचे लेके आना है इसको मैं तकरीबन 10 इंच नीचे कर लेता हूँ। और अब इन लाइन को मैं ट्रिम करता हूँ और यहाँ से देखेंगे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है, यही शेप बन चुकी है। तो ये देखें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है और हमारा एंकर जिसे हम लंगर कहते हैं वो रेडी हो गया। जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके लिए बहुत काम आएगा। स्टडी विद यासी के साथ यासी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।